चलो देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम आज कोशिश करेंगे कि आपको मीन निकालने के जितने भी मेथड है उन सभी मेथड से एक बार इंट्रोड्यूस करा दें, और हो सका तो उनमें से कोई एक मेथड पे या दो मेथड पे क्वेश्चन भी लगवा दें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा कोशिश करो कि कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। स्टैटिस्टिक्स इसमें क्या क्या बता चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? मैथ की एक ब्रांच है। मैथ की कई सारी ब्रांचेस हैं, जैसे मेंसुरेशन, जैसे ज्योमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और भी एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्हीं एटसेट्रा एटसेट्रा में एक ब्रांच आ जाती है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा, मेंसुरेशन में क्या करते थे तुम? सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखते थे। ज्योमेट्री में क्या किया तुमने? कंस्ट्रक्शन करना सीखा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया? ट्रायंगल के मेजरमेंट पे काम किया, ट्रायंगल की साइड और एंगल के मेजरमेंट पे। स्टैटिस्टिक्स में क्या करोगे? एक डेटा दिया जाएगा, डेटा यानी इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन को तुमको दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कुछ पॉइंट्स। जैसे वो तुमको एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म में एक डेटा होगा। क्लास टेंथ में टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? एक डेटा। तुमसे पूछेंगे कि इस टेबुलर फॉर्म में जो डेटा दिया गया है उसका मीन निकाल लो, या फिर उसका मीडियन निकाल लो, या फिर मोड निकाल लो। इस चैप्टर में आपसे तीन ही चीज़ें पूछी जाएंगी, या मीन पूछा जाएगा, या मीडियन पूछा जाएगा, या मोड पूछा जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो अच्छा सीखिए। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? सर पता चल गया कि हमको एक सवाल दिया जाएगा, टैबुलर फॉर्म में दिया जाएगा। अच्छा, उस सवाल से क्या पूछा जाएगा? सर उस सवाल से हमको मीन निकालना पूछा जाएगा, या फिर उस सवाल से हमको मीडियन निकालना पूछा जाएगा, या फिर उस सवाल से हमको मोड निकालना पूछा जाएगा। और ये तीन चीज़ें अगर हमने अपने डेटा में से निकालना सीख लिया तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? पक्की बात? चलो, अब इसमें हमारी पहली हेडिंग, जिसके ऊपर हमारा कह सकते हैं आप 50% चैप्टर मीन पे आधारित है। किस पे आधारित है? मीन। मीन जिसको हम लोग किस से लिखते हैं? एक्स, और एक्स के ऊपर ये जो डैश लगा है इसको बार बोलते हैं। मीन का सिंबल होता है एक्स बार। ठीक है, ओके, अच्छा। बेसिकली छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके, मीन आपने छोटे क्लास में यही पढ़ा है। आज हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, मेन मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब इसमें टाइम और देना चाहता हूं नहीं। ठीक है, ओके, तो मीन का बेसिक फार्मूला आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? जो गिवन होंगी किसमें? डेटा में। किसमें? डेटा में। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो डेटा के अंदर गिवन होंगी उन वैल्यूज को आप क्या बुलाओगे? ऑब्जर्वेशन बुलाओगे। क्लियर है? एक छोटा सा सबसे सस्ता सा एग्जांपल क्या, आपको दो चार वैल्यू दे दी गई, 20, 25, 15, 10, ठीक, और आपसे पूछा गया मीन निकालो। तो ये आपके सामने डेटा है। क्या है ये? डेटा। और इस डेटा में ये जो वैल्यूज दी गई हैं 20, 25, 15 और 10, इन वैल्यूज को क्या बुलाओगे? ऑब्जर्वेशन। क्योंकि डेटा में जो वैल्यूज दी जाती हैं उन्हीं को आप ऑब्जर्वेशन कह के ट्रीट करोगे। क्लियर? तो अगर आपको मीन निकालना हुआ तो मीन कैसे निकालोगे? इन सबको जोड़ोगे, 20,
प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 अपॉन में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो टोटल गिनो कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑब्जर्वेशन हैं, तो अपॉन में 4 लिख दिया, इनको जोड़ो 25, 5, 3, 10, 40, 10, 50, 60, 70 कितना आ गया 70 डिवाइडेड बाय 4 70 दो से ऊपर भाग करो मतलब 2 से ऊपर डिवाइड करो 35 आएगा, 2 से नीचे डिवाइड करो 2 आएगा, 35 को 2 से डिवाइड करोगे 17.5 आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर मीन। ये क्या हो गया, मीन हो गया। क्या हो गया, मीन। बात इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, मीन निकालने का एक जनरल फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल के अंदर या फिर किताब में आपने लिखा लिखा होगा जनरल फार्मूला। वो क्या पढ़ा था आपने, एक्स बार इक्वल, इसको बोलते हैं सिग्मा, ये जो लेटा हुआ एम है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, है बात कि नहीं, या फिर किताब में लिखा देखा भी होगा। ये जनरल फार्मूला कहाँ से आता है, इस बात का हम एक छोटा सा प्रूफ आपको दिखाएंगे, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये जो लेटा हुआ एम है, इसको बच्चों अंग्रेजी में या मैथमेटिक्स की भाषा में समेशन बुलाते हैं, ठीक, क्या बुलाते हैं, समेशन। और एक्स आई जो है वह दरअसल ऑब्जर्वेशन होता है, क्या होता है, इस एक्स आई की जगह पे दो ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं, मान लो अगर दो हुए तो एक्स आई की जगह पे ऑब्जर्वेशन होंगे x1, x2, एक्स आई की जगह पे तीन ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं, मतलब एक्स आई की जगह अगर तीन ऑब्जर्वेशन हुए तो x1, x2, x3, समझ गए। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोट डाल के किसी स्थान पे समझा देते हैं, जैसे कि एक्स आई की जगह पे अगर तीन ऑब्जर्वेशन है तो x1, x2, x3 ऐसे लिख देंगे, क्लियर है। अच्छा, ऐसे तो लिख भी सकते हैं, वैसे एक और तरीका है लिखने का, अगर आप तीन वैल्यूज को एक साथ नहीं लिखना चाहते है ना, तो आप इसकी जगह पे एक्स आई ही लिखा रहने दीजिए, केवल यहाँ पे इतना लिख दीजिए कि ये जो आई है इसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी और 3 पे ख़त्म है। अब मन करे तो सिग्मा लिखने के बाद ब्रैकेट में जो एक्स आई था, अगर आप जानते हो कि एक्स आई यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन 3 दिए गए हैं सवाल में, तो आप x1, x2, x3 करके लिख सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि सिग्मा लिखा, एक्स आई को एक्स आई ही लिख रहने दिया, बस आई की वैल्यू हमने पढ़ ली कि 3 ऑब्जर्वेशन है तो 1 से कहाँ तक, 3 तक। तो आई अगर आप 1 से 3 लिख करके एक्स आई लिख करके छोड़ देते हो तो इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ एक्स आई की जगह क्या होगा, x1 होगा, कॉमा x2 होगा और कॉमा x3 होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा, वैसे इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, समझो भैया, सिग्मा एक्स आई लिखा हुआ है और आई की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 3, इसको बोलते हैं लिमिट, आई की लिमिट है 1 से 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आई की जगह एक बार आप 1 लिखना, फिर आई की जगह आप दूसरी बार में 2 लिखना, फिर आई की जगह आप तीसरी बार में 3 लिखना, और इसको क्या बुलाते हैं लेटे हुए एम को, समेशन। समेशन का मतलब होता है कि ये जो तीन ऑब्जर्वेशन आए हैं इनको हमेशा क्या करो, सम करो, अगर समेशन लिखा है तो। बात क्लियर, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा सिग्मा ए आई, क्लियर, और आई की जगह पे लिख दिया क्या 1 से 5, है ना, ऐसे लिख दिया किसी ने, तो आप जरा एक बार देखना, ये दिख रहा है, हाँ, तो ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा ए आई और आई की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 5, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ए आई की जगह पे आई, ए आई में आई की जगह पे वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। ए आई क्या है, ऑब्जर्वेशन, क्या है, आई की जगह वैल्यू पुट करिए, पहली वैल्यू कौन है, और 1 से कहां तक लिखना है, 5 तक, दूसरी वैल्यू कौन होगी,
तीसरी कौन होगी, चौथी कौन होगी, पांचवी कौन होगी, ठीक। और यहाँ पे लेटा हुआ एम है, इसका मतलब होता है समेशन, यानी ये जो पांच वैल्यू लिखी इनको क्या करना है, सम करना है। तो आप अब बताइए हमको कि आप सिग्मा एक्स आई इस टर्म का मतलब समझ चुके हैं। सिग्मा एक्स आई जब लिखा हो तो आई की जगह वैल्यू पुट करते हैं, और कहां से देखते हैं वैल्यू क्या है, लिमिट से देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या है। वो आई की वैल्यू रखकर हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आ जाते हैं। सिग्मा बोलता है कि इन ऑब्जर्वेशन को प्लस करो, क्लियर। जैसे यहां पे सिग्मा ए आई लिखा था, ए आई का मतलब ऑब्जर्वेशन, हमें क्या करना है आई की जगह वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। कहां से पता चलेगी आई की क्या वैल्यू है, लिमिट से पता चलेगी। आई की वैल्यू 1 से 5 है, आई की जगह 1 रखें, आई की जगह 2 रखें, आई की जगह 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, ऑब्जर्वेशन निकाल लें। सिग्मा बोल रहा है कि इन सबको ऐड करो, क्लियर है, पक्का। अब आ जाते हैं वापस से फार्मूले पे। तो ये फार्मूला है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये फार्मूला कहाँ से आया इसका एक छोटा सा प्रूफ दिखा दे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भैया ध्यान से, प्रूफ, चलो हम मान लेते हैं, हमारे पास सवाल तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी दिए गए सवाल में ऑब्जर्वेशंस कौन कौन है, x1 है, दूसरा कौन है x2 है, तीसरा कौन है x3 है, इसी तरह से करते करते मान लिया आखिरी कौन है, xn है, है ना। हमारे पास सवाल तो है नहीं कोई, तो हमने मान लिया कि कोई सवाल है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन कौन कौन है, x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करते करते आखिरी वाला कौन है, xn है, क्लियर। चलो मीन निकालने का फार्मूला लगाओ, ये लिखा है मीन, इसकी जगह हमने लिख दिया x बार, क्लियर। मीन के बराबर में मीन के बाद क्या लगा, इक्वल, वो हमने लगा दिया। फिर लिखा है सम करो, किसका, ऑब्जर्वेशंस का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस जो दिए गए हैं उनका सम करो, x1, x2, x3, ऐसे सो ऑन, xn, इन सबका क्या करो, सम करो, क्या करो, सम करो, कर दिया, पक्की बात, अपॉन लगा दिया, अपॉन में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस की संख्या क्या है। यहां पे बताओ आप, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है, ऐसे करते करते आखिरी कौन है, एन, यानी कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, एन है, बात क्लियर। अगर एक्स थ्री तक दिया जाता तो हम बोलते पहला है, दूसरा है, तीसरा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे तीन लिखते, लेकिन उसने एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री करते करते एक्सएन तक दे दिया, जिससे हमें पता चला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, एन है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत, तो ये हमारा एक स्टेप आ गया। बोलो कोई समस्या है आपको, नहीं है, इसके बाद अगली लाइन यहां से देखो, देखना, तो एक्स बार इक्वल, आप देख रहे हो कि यहां पे पहला ऑब्जर्वेशन एक्स वन है, दूसरा एक्स टू है, तीसरा एक्स थ्री है, ऐसे करते करते आखिरी एक्सएन है, और इन सबको सम किया गया है, क्या किया गया, सम। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि बार बार x आ रहा है, x प्लस x प्लस x प्लस सो ऑन प्लस x, यही आ रहा है। बदल कौन रहा है, सफिक्स में लिखा हुआ नंबर बदल रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे करते करते n हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिग्मा करके लिख लेंगे, क्या करके, सिग्मा एक्स आई करके, क्लियर है। और हम लिख देंगे यहां पे कि i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से एन तक है, इतनी बात क्लियर। तो अब इस चीज का मतलब यहां पे हमने सिखाया था कि यहां पे सिग्मा एक्स आई लिखा है, आई की वैल्यू पुट करी जाती है, पुट करो जरा, वन से एन तक, वन लिखोगे तो एक्स वन होगा, फिर टू लिखोगे एक्स टू होगा, फिर थ्री लिखोगे एक्स थ्री होगा, ऐसे लिखते लिखते आखिरी वाला एन लिखोगे एक्स एन होगा। और इस लेटे हुए एम को समेशन बोलते हैं, इसका मतलब जो वैल्यूज आई हैं उनको ऐड करो। तो हमने देखा कि ऐसा ही लिखा हुआ था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस so on xn, तो हमने इस पूरे समेशन की जगह क्या लिख लिया, सिग्मा xi। बात क्लियर, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आई, आ गई, अच्छा, अपॉन में क्या लिखा है, n। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, फार्मूला,
दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ मीन, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ मीन। बात क्लियर है? अच्छा, इसको किताब वाले कहते हैं कि ऐसे भी आप लिख सकते हो। कैसे? x बार इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। लिमिट आप अगर नहीं लिखते हैं तो किताब वाले कहते हैं कि दिए गए सवाल में लिमिट अंडरस्टूड होती है, टेबल को देख के पता लग जाता है कि ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। इसलिए दिए गए सवाल में आप आई की जगह वन टू एन अगर लिखना भूल जाते हैं और इसकी बजाय ऐसे ही लिख देते हैं, आई बराबर वन से एन तक लिखना भूल जाते हैं, इसकी बजाय ऐसे ही लिख देते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, आपका फिर भी फार्मूला सही माना जाएगा। बात क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ मीन, है ना, और ये कहलाता है जनरल फार्मूला। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है? अच्छा ठीक है, तो हमने मीन का जनरल फार्मूला पढ़ लिया, x बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। पहली बात, इस पे जो सवाल आएगा वो MCQ में आएगा, इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि इस छोटे से फार्मूले पे कोई एक नंबर डेढ़ नंबर का सवाल तो तुमको देगा नहीं। क्लियर? तो MCQ में दिखेगा, MCQ में दिखेगा, जैसे कि ऐसे, या फिर MCQ के अलावा कैसे दिख सकता है? कोई बड़े से सवाल में कोई छोटे से स्थान पे तुमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई सवाल आ गया थोड़ा सा तीन नंबर का, उसमें बोल दिया कि गिव द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, उसमें कई सारे पार्ट्स में एक पार्ट ये भी हो गया। ठीक है, अगर इसको करके दिखाना पड़े एग्जाम में, MCQ में तो नहीं करके दिखाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन अगर करके दिखाने वाला हिसाब हो तो कैसे लिखोगे? ये सवाल है गिवन एज ऑफ डिफरेंट पर्संस इन अ फैमिली, एक फैमिली में अलग अलग पर्सन की एज दी गई है, एक की है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल और 50 साल। आप क्या निकालना है? मीन। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहे हैं, वरना आंसर तो हम ओरली निकाल सकते हैं। वी नो दैट, है ना, कि मीन एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सबसे पहले क्या करोगे तुम? फार्मूला लिख के दिखाओगे एग्जाम में। ठीक, उसके बाद क्या करोगे? एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स आई, सिग्मा का मतलब सम, एक्स आई का मतलब ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन दिए उनको क्या करोगे? सम करके दिखाओगे, है नहीं? सम करके दिखाओगे, फिर ये लगाया अपॉन एन, का क्या मतलब होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जरा गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। ठीक भैया, इन सबको जोड़ना और जोड़ करके 7 से क्या कर देना? डिवाइड। चलो जोड़ो, कितना आया? 30, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 200, 245, डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21, 7 5 35। मीन की वैल्यू क्या आई? 35, है ना? क्लियर है? नीचे लिखोगे सो मीन ऑफ एजेस, जो तुमको कई सारी उम्र दी गई है, इन सभी उम्र का क्या मीन, मीन ऑफ एज ऑफ डिफरेंट पर्संस इक्वल टू कितना है भैया? 35, क्या 35 ईयर्स। बोलो, बात समझ में आई? एग्जाम में ऐसे करके दिखाना, बात क्लियर? अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया दिखाने वाले दांत, मतलब कि अगर आपको एग्जाम में करके दिखाना है तो आप करके इस तरह से दिखाओगे। MCQ में आ जाता है तो ओरली भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ओरली कैसे करना होता है? आपको मैंने एक ट्रिक समझाई थी कल की क्लास में, नहीं समझाई थी? क्या ट्रिक थी? कि एक बार, बस एक बार देख लो कि जो ऑब्जर्वेशन दिया है कहीं वो एपी में तो नहीं है, एपी मतलब कहीं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस तो नहीं चल रहा है,
20 प्लस 5 क्या होता है 25, प्लस 5 करो 30, प्लस 5 करो 35, प्लस 5 करो 40, प्लस 5 करो 45, प्लस 5 करो 50। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एपी में है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको दिया गया ऑब्जर्वेशन किस में हो, एपी में हो, तो मीन जो है वो अंडरस्टूड होता है क्या कि बीच वाला नंबर जो है वो क्या है, तो आपका मीन है डायरेक्ट 35। इसके लिए आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप बता सकते हैं मीन ये है। अगर एमसीक्यू में आता है तो, अगर सब्जेक्टिव है यानी कि करके दिखाना है तो भैया पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक हमने बता दी, अगर एमसीक्यू में आ गया तो समझ लो तुमने टाइम दिया ही नहीं, डायरेक्ट आंसर लगा दिया, समझ गए। एक दो सवाल इस पे और पूछ लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है, जरा बताओ हमको इसका मीन क्या है। चलो एक एक नंबर और रख देते हैं, 11। अब बताओ मीन क्या है, 6, 6 मीन है। हमको बस देखना है कि कॉमन डिफरेंस तो नहीं चल रहा, आपको सारे नंबर एपी में तो नहीं दिए गए, बिल्कुल दिए गए, 2 में 1 गया, 1 3 में 2 गया, 1 4 में 3 गया, 1, ये देख रहे हो कॉमन डिफरेंस चल रहा है। जब कॉमन डिफरेंस चलता है तो यानी कि जो सीरीज है वो एपी है, अगर एपी है तो डायरेक्ट हमको मीन जो है वो अंडरस्टूड होता है, और वो कितना होगा, बीच वाला नंबर, बीच वाला कितना है 5, ये नंबर हटा दो, 5 ये हटा दो, बीच में कौन पड़ रहा है 6, तो आपका मीन डायरेक्ट आंसर है कितना 6। बात क्लियर है। अच्छा एक और बता दीजिए, 20, 22, 24, 26, इसमें बताइए कितना है 23। वेरी गुड, आपने देखा कि 20 प्लस 2 22 प्लस 2 24 प्लस 2 26, यानी कि ये सब किस में चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं, तो आपका जो मीन है वो अंडरस्टूड है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा मीन, बीच वाला नंबर। अब की बार बीच में कितने नंबर पड़ रहे हैं, 2 नंबर पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तो उनके बीच का नंबर होगा एपी, उनके बीच में कौन है 23, सो मीन कितना हो गया 23। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। एक लास्ट इस पे और पूछते हैं फिर अगले पे बढ़ जाते हैं। अब लास्ट ये है कि आपको 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है, 18 दिया है, बताओ मीन क्या है, 16.5। वेरी गुड, आपने देखा फिर से दिया गया ऑब्जर्वेशंस एपी में है, तो आपने कहा कि मीन अंडरस्टूड है, बीच का नंबर मीन होगा, लेकिन बीच में 2 नंबर फंस रहे थे, तो आपने इन दोनों का बीच वाला नंबर निकालने का प्रयास किया और वो कितना आ गया 15, ठीक, कभी 16.5, हाँ 16.5, 16 और 17 के बीच में, क्लियर है। कभी अगर फंस जाओ इनके और इनके बीच का नंबर ना निकाल पाओ, है ना भाई, कभी ऐसे नंबर्स आ गए 15.5, 17.25, ऐसे पूछता हूँ, अगर नंबर आ गया 16 और 17 की जगह क्या दे दिया 15.5, 17.25, अब आपको अगर ऐसे दो नंबरों के बीच वाला नंबर निकालना हो और आप डायरेक्ट ना निकाल पाओ, जैसे यहाँ पे बड़े आराम से निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी बीच वाला नंबर निकालना हुआ करे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया करो, बीच वाला नंबर आ जाएगा, समझ गए। कभी भी दो नंबरों के बीच का नंबर निकालना हो क्या करोगे, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, आप यहाँ पे ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, देखो यही आ रहा है, 16 प्लस 17 कितना होता है 33, और 33 को 2 से डिवाइड करो 16.5 आता है कि नहीं आता, आता है ना, पक्की बात है, तो ऐसे कर लेना, क्लियर। तो ये अब होने जा रहा है रम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी तक आपके सामने जो सवाल आया क्या वो टेबुलर फॉर्म में था, नहीं था, डायरेक्ट आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए और आपने जनरल फार्मूले का इस्तेमाल करके मीन निकाल लिया, क्लियर है। अब जो सवाल आएंगे वो टेबुलर फॉर्म में आएंगे, टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में आपको डेटा दिया जाएगा और उस डेटा की हेल्प से आपको मीन निकालना होगा, क्लियर है। अब समझो ध्यान से, जब आपके सामने डेटा टेबुलर फॉर्म में आएगा, 3 मेथड्स होंगे आपके मीन निकालने के,
मैं वो तीनों मेथड पहले तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके उन हर एक मेथड पे एक एक सवाल लगवा दूंगा, और फिर उसके बाद एक मिसलेनियस करा दूंगा, हो जाएगा, ठीक है, समझे? देखो तो जो तीन मेथड्स हैं वो कौन कौन है। पहला मेथड होता है आपका, जिसको आप लोग नाम देते हो, किताब वाले नाम देते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ओके। उस डायरेक्ट मेथड में आपको फार्मूला एक दिखाया जाएगा, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई है। अब वो हम अभी पढ़ाएंगे, अभी केवल सुन लो, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, ये दूसरा फार्मूला है। इसमें आपका फार्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर जी ये डी आई क्या है, है? और एफ आई क्या है, ए क्या है, ये सब अभी पढ़ाया जाएगा, अभी केवल सुन लो, नाम बता रहे हैं अभी केवल और कुछ नहीं, ठीक। अच्छा, जो तीसरा वाला होता है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, हम हर एक मेथड पे एक एक सवाल तो बताएंगे ही, इसके अतिरिक्त अगर हमें कोई इम्पॉर्टेंट सवाल लगेगा, है ना, वो किसी भी मेथड पे हो तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। मतलब लगभग लगभग हर मेथड में हम आपको दो तीन सवाल लगवा देंगे, क्लियर है, बाकी आपको लगाने को देंगे, अगर आपको डाउट फंसेगा तो वो भी बताएंगे, क्लियर। अच्छा, तो जो तीन मेथड है उनके नाम मैंने लिख दिए, इन तीनों की सहायता से मीन निकलता है, क्योंकि अभी हमारी जो हेडिंग चल रही है वो कौन चल रही है, मीन। अगर आपने ये तीन मेथड पढ़ लिए तो आपका 50% चैप्टर खत्म, क्लियर है। उसके बाद बचेगा कौन, मीडियन 25% में, और बचे 25% में मोड, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज नंबर वन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक, ये क्या है ध्यान से देखो। इसमें मीन निकालने का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये जे नहीं आई है, अपॉन में सिग्मा एफ आई। सर आपने लिमिट नहीं लिखी आई की वैल्यू 1 से एन, मैंने बताया था ना, अभी लिखो या ना लिखो, क्वेश्चन के अंदर वो बात अंडरस्टूड होती है, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पे एफ आई यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, ठीक है। एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो यहां पर भी फ्रीक्वेंसी है ऊपर भी वही एफ आई फ्रीक्वेंसी ही है, दोनों सेम एफ आई है, ठीक है, क्लियर। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है अभी बता देते हैं, देखो ध्यान से, देखो जैसे कि आपको कोई डेटा दिया है एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स थ्री कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, ठीक, ये डेटा है आपका। आपसे बोलेगा टीचर मीन निकालो, क्या निकालो, तो जब आप मीन निकालते हो जरा जनरल फार्मूले से निकालो, ये आपका सवाल है, इस सवाल में अभी फिलहाल ये फार्मूला मत लगाओ, अभी फिलहाल इस ऑब्जर्वेशन को जनरल फार्मूले से निकालो। तो कैसे करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर क्या लिखा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ो, एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स वन, कितनी बार आया है, तो बार बार x1 x1 लिखने की बजाय मैं क्या लिखूंगा, 4x1। अच्छा, अब देखो x2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, बार बार लिखने की बजाय मैं इकट्ठा लिख दूं 4x2। और x3 कितनी बार आया है, 1 2, बार बार x3 लिखने की बजाय मैं इकट्ठा लिख दूं 2x3, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो देखो, तो ये बताओ
कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या है, 4x1 थे, 4x2 थे, 8 हो गए, और 2 क्या थे, x3, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने ऑब्जर्वेशन है, 10। क्लियर है, पहले बताओ इतना समझ में आया। तो ये जो हमारे पास एक सवाल था, इस सवाल को हमने जनरल फार्मूले से सॉल्व किया, इस फार्मूले से नहीं सॉल्व किया, तो हमारा आंसर ये आया। पक्की बात है, क्लियर है, अब समझो। तुमने क्या नोटिस किया, x1 चार बार आया था, तो मैंने चार बार x1 नहीं लिखा, मैंने 4 × x1 लिखा। x2 भी चार बार आया था, तो मैंने चार बार x2 नहीं लिखा, मैंने 4 × x2 लिखा। x3 दो बार आया, तो मैंने दो बार x3 नहीं लिखा, x3 + x3, मैंने उसको 2x3 लिखा। क्लियर है। तो तुमने नोटिस ये किया कि सर अगर चार बार x1 आया होता है तो टीचर लिखता है 4 × x1। ठीक, ये जो रिपीटिशन हुआ x1 का, कितनी बार रिपीटिशन हुआ, चार बार। इस चार को बुलाते हैं x1 की क्या, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। x2 का रिपीटिशन कितनी बार हुआ, चार बार। तो इस चार को क्या बुलाओगे, x2 की फ्रीक्वेंसी। x3 का रिपीटिशन कितनी बार हुआ, दो बार। तो इस 2 को क्या बुलाओगे, x3 की फ्रीक्वेंसी। बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया, आगे पक्की बात है। अच्छा, तो हमें सीखने को क्या मिला, अब देखो इस फार्मूले का हम एक छोटा सा प्रूफ भी बता दे रहे हैं आपको, दो लाइनों का होता है, पूरी नॉलेज ले लो उसकी। देखो एक्स, अब ये जो xi लिखा है इसका मतलब होगा कभी x1, तो xi का मतलब कभी हो जाएगा x2, कभी इस xi का मतलब हो जाएगा x3, ऐसे करके। क्लियर है। अब मान लो xi का मतलब x1 है, फिर क्या है, x2 है, फिर क्या है, x3 है, फिर x4 है, और इसी तरह से क्या है, xn है। बात क्लियर। इस दिए गए सवाल में x1 कितनी बार आया था, 10 नहीं, 4। इस दिए गए सवाल में x1 कितनी बार आया था, 4 बार। अब हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल में हमें पता नहीं कि x1 कितनी बार आया है, क्योंकि हमारे पास सवाल तो है नहीं, हम खुद ही मान के सवाल बना रहे हैं। तो हमने मान लिया कि x1 जो है वो कितनी बार आया है, f1 बार आया। कितनी बार आया, अभी f1 की जगह यहाँ पे कितना था, 4 था, है ना। और जब तुमको एग्जाम में सवाल दिया जाएगा तो f1 की जगह कोई गिनती दी जाएगी कि x1 10 बार आया। क्लियर है। अब मान लिया x2 कितनी बार आया, f2 बार, और x3 कितनी बार आया, f3 बार, और x4 कितनी बार आया, f4 बार, और xn कितनी बार आया, fn बार आया। क्लियर है, है ना। अच्छा, तो अगर आप मीन निकालोगे, मीन, तो मुझको बताओ जरा, यहाँ पे चार बार x1 तो नहीं लिखा तुमने, क्या लिखा, 4 × x1। फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई किससे कर दी, ऑब्जर्वेशन से, है ना। अब यहां बताओ x1 कितनी बार आया है, तो हम f1 × क्या कर देंगे, x1। बोलो बात क्लियर है, है ना। चार बार x1 नहीं लिखा था, 4 × x1 लिख दिया था। यहाँ पे x1 कितनी बार आया, f1 बार, तो f1 × x1 लिख दिया। इसी तरह बार बार x2 मत लिखो, देखो x2 कितनी बार आया है, f2 बार, तो क्या लिखोगे बेटा, f2 x2। इसी तरह f3 x3, इसी तरह सो ऑन, fn xn। बात क्लियर है, पक्की बात है, कोई समस्या है नहीं। अपॉन लगा दिया, अपॉन में क्या लिखते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें बताना जरा, x1 कितने हैं यहाँ पे, f1 है, x2 कितने हैं, 2, x3 कितने हैं, 3, इसी तरह से xn कितने हैं। तो मान लो f1 हो गए x1, और नंबर ऑफ x2 कितने हो गए, f2, नंबर ऑफ x3 कितने हो गए, f3, इसी तरह से नंबर ऑफ xn कितने हो गए, fn। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं समझ में आया,
नहीं आया। आगे पक्की बात है कि x1 कितने थे, f1 थे, तो f1 तो हो गए नंबर ऑफ x1, और x2 कितने थे, f2, तो नंबर ऑफ x2 हो गए f2, नंबर ऑफ x3 कितने हो गए f3। इसी तरह से कुल कितने हो गए ऑब्जर्वेशन, f1 plus f2 plus f3 plus so on fn। इस सवाल में भी यही किया था ना, x1 कितने थे, चार थे, x2 कितने थे और चार हो गए तो आठ हो गए ऑब्जर्वेशन, x3 कितने थे, दो थे तो दो और ऑब्जर्वेशन हो गए थे, तो चार और दो कितने हो गए थे, दस। बात क्लियर है? अब जरा बताना, अभी ट्रिक सिखाई थी एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस सो ऑन फिर एफ एक्स, बार बार एफ एक्स आ रहा है और बदल कौन रहा है, सफिक्स में लिखा हुआ नंबर, पहले वन लिखा फिर टू लिखा फिर थ्री लिखा फिर सो ऑन एन लिखा, तो आप क्या लिखोगे एफ आई एक्स आई, और सिग्मा लिख के बोल दोगे कि आई की शुरुआत कहां से हो रही है और एंडिंग कहां पे हो रही है, एन पे। बात क्लियर है? अपॉन में एफ वन लिखा है प्लस, देखो एफ लिखा फिर प्लस करके एफ लिखा फिर प्लस करके एफ लिखा प्लस सो ऑन करके फिर एफ लिखा, बदल कौन रहा है, सफिक्स का नंबर, पहले वन है फिर टू है फिर थ्री है और प्लस सो ऑन करके कौन है, एन है। तो बार बार अगर एफ आ रहा हो तो उसको क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई, आई की शुरुआत कहां से हो रही है, वन से, खत्म कहां पे हुआ, एन पे। तो ये बन गया एक्स बार का फार्मूला किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए। क्लियर है? और इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर बगैर लिमिट के लिख दोगे तो क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, अंडरस्टूड होता है गिवन क्वेश्चन के लिए। बोलो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, यह फार्मूला किसके लिए है, यह फार्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए और इस पे बेस्ड सवाल आएगा और आपको अभी हम करके दिखाएंगे। पक्की बात है? चलो ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा तो इसको भी नोट कर लो जल्दी से।